खबर चमोली उत्तराखंड से। आपदा प्रभावित परिवारों को पहुंचाई राहत सामग्री। जिला चमोली के विकासखंड नारायण बगड़ में विगत माह हुई अतिवृष्टि से बेघर हुए बिड़गांव के 10 अनुसूचित जाति के परिवारों की सुध लेने पहुंचे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भोपाल राम टमटा ने इन परिवारों को राशन आदि राहत सामग्री बांटी। बिड़गांव गाँव के सामाजिक कार्यकर्ता और मसूरी विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र कनेरी ने कहा, उनके आग्रह पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भोपाल राम टमटा ने बिड़गांव पहुंचकर गरीब आपदा प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री बांटी। शासन स्तर पर उन लोगों की हर संभव मदद करने की बात कही, जिससे प्रभावित परिवारों में उम्मीद की रोशनी जागी है। गौरतलब है, पिछले माह 18 जून से क्षेत्र में हुई लगातार बारिश से बिड़गांव गांव में अनुसूचित जाति बस्ती में बड़ा भूस्खलन होने से यहां रह रहे 10 परिवारों के आशियानों पर कहर बरप गया था। ये परिवार किसी तरह बच गए, तब से ये लोग गाँव के पंचायत भवन में शरण लिए हैं। अब भविष्य में इस स्थान पर घर बसाना संभव भी नहीं रह गया। बचे खुचे घर भी भूस्खलन की जद में आ गए हैं। तब प्रशासन ने भी तत्काल गांव पहुंचकर परिवार प्रभावित परिवारों की सुध खबर ली और प्रभावित परिवारों की मांग की है कि उन्हें विस्थापित किया जाए, जिस पर तहसील प्रशासन ब्लॉक प्रशासन ने इन परिवारों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उनके विस्थापन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सही में इन परिवारों को इस आपदा प्रभावित क्षेत्र से अन्यत्र ही बसाने की जरूरत है। ये यहाँ पर जो है हम जिस देवी आपदा से हम इतने परिवार जो है कि यहाँ पर हम पीड़ित हुए हैं, इन परिवारों से हम पंचायती घर में जो है कि 5-1 हफ्ते करीब से हम पंचायत घर में अपना शरण ले चुके हैं। और यहाँ पर जो है शासन प्रशासन जो पटवारी जी हमारे कुंवर जी हैं, वो वहाँ पर मौके पे आए और अगले दिन विधायक जी आए और उन्होंने भी यही कहा कि हम विस्थापन के लिए जो है कि आगे के लिए आपकी कार्रवाई करेंगे और सरकार से हमारी और शासन प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि हम गरीब आदमी अनुसूचित जाति लोग वहां पर रहते हैं और हमारे लिए ज़मीन भी वहां पर उपलब्ध है, हमारे पास इतनी जो हमारी खेती बाड़ी के लिए लायक ज़मीन थी वो भी नष्ट हो चुकी है। वहाँ पर कोई साधन नहीं है, पीने का पानी था, नल है, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। विस्थापन की मांग कर रहे हैं, तो विस्थापन की मांग हम कि हमारे आजीवन के लिए हम वहाँ पर रहेंगे तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए खतरा हो सकता है और हमारे लिए जो दो मकान के आगे पीछे स्लाइड है और पूरा खाई बन चुकी है वहाँ पर। गाँव में बारिश के कारण जो प्राकृतिक आपदा आई उसके कारण बेड़गांव की अस्थि बस्ती पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो ये लोग मेरे साथ खड़े हैं, इन सबके घर बार बह चुके हैं, खेती बह चुकी है, पशुओं का गौशाला टूट चुका है और ये लोग पंचायती घर पे रहने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन इनका संज्ञान लेने जरूर आया, तसल्ली दी गई। अब देखते हैं कि इन लोगों के लिए आगे क्या कार्रवाई होती है और आन माननीय श्री भोपाल राम टमटा जी मौके पर इन लोगों की सुध खबर लेने पहुँचे और इनको राहत सामग्री राशन के रूप में कुछ प्रदान किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहूँगा टमटा जी का कि आप ऐसे पीड़ा में इन लोगों के साथ खड़े हैं और मैं भविष्य में भी उम्मीद करता हूँ कि आप इन लोगों का साथ बने रहिए और इनकी शासन प्रशासन जरूर सुने और इनको विस्थापन के लिए जो भी स्थान मुहैया कराएगा ये विस्थापन के लिए तैयार हैं। तो मेरी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं सरकार और शासन प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर इन बेड़गांव एससी बस्ती वालों को कहीं विस्थापन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा पीड़ित इन 10 परिवारों के दुख को देखते हुए मेरी शासन प्रशासन से मांग है कि इन लोगों को कहीं अन्यत्र जगह पर विस्थापित किया जाए, इनको आवास की व्यवस्था अतिशीघ्र किया जाए क्योंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा भूस्खलन क्षेत्र बन चुका है और यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और हम लोग भी कहीं ना कहीं सामाजिक संगठनों के माध्यम से इन लोगों की मदद के लिए प्रयासरत है। जैसे कि मेरे विशेष प्रयास पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान भोपालम टमटा जी खुद इस मौके पर जाकर इस क्षेत्र में गए और उन्होंने अपनी तरफ से आपदा प्रभावित इन परिवारों को राहत सामग्री के पैकेट वितरित किए, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन दिया कि जहां तक भी हो शासन प्रशासन से हम इनकी मांगों को इनकी आवाज़ को पहुंचाने में मदद करेंगे, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आने वाले समय में सभी लोग इस लड़ाई को मिलजुल कर लड़ेंगे। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत के साथ सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।